पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन से कबल पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती में पार्टी आइन फॉलो नहीं किया। पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में दौरान समात एतराफ कर लिया। कहा पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त होता है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, इसलिए तरीकाकार फॉलो ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, आप कह रहे हैं कि ये नजरिया जरूरत के तहत हुआ, ऐलान से कोई चेयरमैन बन सकता है? उबूरी दौर में कौन चेयरमैन थे? अली जफर ने कहा, उबूरी दौर में कानून के तहत पुराने चेयरमैन ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला दिया तो अदालत से रुजू करेंगे, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। गौहर खान ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामलों से अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं, अकबर एस बाबर प्लांटेड आदमी है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने 40 सवालों के जवाब मांगे हैं। हम इनसे पूछा कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से भी ये सवाल किए गए, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब ना था। आरटीएस बिठाकर ऐसी हुकूमत लाई गई जो एक मोटरवे भी ना बना सकी। कराची में दहशतगर्दी नून लीग ने खत्म की, अब नून लीग ने कायम किया। वोट की बारी आई तो कहीं और चला गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। पार्लियामानी बोर्ड के इजलास के बाद खिताब में कहा, चित्राल में अरबों रुपए की टनल नून लीग ने बनाई और वोट किसी और को पड़ गया। कराची और चित्राल वालों से सवाल करेंगे। कहा, किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। उन्हें हटाने का मकसद एक सिलेक्टेड को लाना था। तुर्बत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेरे एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ जरदारी कन्वेंशन में पहुंच गए। आसिफ जरदारी की आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। अगस्त 2021 में कम से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए। जब भी अफगान हुकूमत से सिक्योरिटी मामलात पर बात होती है, जवाब मिला कि अपने मामलात दुरुस्त करें। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम अपने मामलात दुरुस्त करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी अखबार में खसूसी तहरीर। लिखा, पाकिस्तान में गुज़श्ता दहाइयों में आयरलैंड की आबादी के बराबर तारिकीन वतन आ चुके हैं। हमने फराख दिली से तारिकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम कर रहे हैं, टैक्स नहीं देते हैं। ये लोग अंडरवर्ल्ड के इस्तेहसाल का शिकार भी हैं। इंतखाबी स्केड्यूल जारी होने के बाद हल्काबंदियों पर एतराज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का क्वेटा की 2 सूबाई नशस्तों पर हल्काबंदियों के खिलाफ अपील पर हुक्म। बलोचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी तब्दील की थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजी अमरी का कहना है कि उनकी जमात कोई दरवाजा नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बोली, माजी में एक शख्स सियासी मुखालिफीन को गालियां देता रहा, मुल्क में तकसीम के कल्चर को खत्म करना है। पीपल्स पार्टी में वक्त गुजारने वाले लतीफ खोसा अब दूसरी जमात में गए हैं तो उनकी मर्जी, पार्टी के दरवाजे हर सियासी वर्कर के लिए खुले हैं। अवामी नेशनल पार्टी के वफद की JUIFA के मुफ्ती महमूद मरकज आमद, मौलाना अताउर रहमान और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ANP के सूबाई सदर एमल वली खान ने कहा, ये इंतखाबी इत्तेहाद का वक्त है, हर जमात अपना फायदा देखकर फैसला करेगी। बोले, पीटीआई का बयानिया आरजी तौर पर तकवीयत पाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का पीटीआई रहनुमा शेर अफसल मरवत को रिहा करने का हुक्म। एमपीओ ऑर्डर गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने शेर अफसल मरवत के भाई की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड के बदले रिहा करने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल में TTP के 35 से 40 अरकान अफगानिस्तान से पकड़े गए। दाइश के अरकान भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए।
पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। मजीद कहा कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क बशमूल पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला ने दावा किया कि आज अफगानिस्तान में कोई ग्रुप फाल नहीं, मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले की निशानदही करके गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह के इलाकों में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 140 किलोमीटर जेर जमीन और मरकज दोआदा मकबूजा कश्मीर था।